तो वेलकम टू चैनल स्किल इन फैंटेसी। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जिम्बाब्वे ओमेन वर्सेस यूएसए ओमेन के बीच में जो फास्ट ओडीआई मैच खेले जाएंगे उसी के बारे में। मैच टाइम देख सकते हैं कल दोपहर के टाइम 12:45 मैच स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप लोग उस हिसाब से एक्टिव रहिएगा। या पर दोनों टीम की मैच विनिंग पेडिंग को लेकर बात की जाए तो यूएसए के पास ऐसे दो खिलाड़ी आई है, अगर वो दोनों खिलाड़ी इस मैच में खेलेंगे तो फिर आपको यूएसए के फेवरेट में ही टीम बनानी होगी। और वो दो खिलाड़ी अगर इस मैच में नहीं खेलेंगे फिर तो वह जिम्बाब्वे ओमेन स्ट्रॉन्ग टीम बन जाएगी और इस जिम्बाब्वे ओमेन की फेवरेट में टीम बनानी होगी। तो देखो अगर वो दोनों खिलाड़ी खेलेंगे भाई अभी यूएसए की तरफ से तो फिर मैं यूएसए को 55-60% मान के जाऊंगा। वहीं पर अगर भाई जिम्बाब्वे ओमेन की बात की जाए तो 45 फिलहाल मैं मान के जा रहा हूँ। लेकिन अगर यूएसए पास जो दो नए खिलाड़ी आए वो दोनों नहीं खेलेंगे फिर आप यहाँ पर जिम्बाब्वे को 60% मान के जाइएगा, ठीक है। वो दो खिलाड़ी कौन है क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। देखो उन दोनों में से एक खिलाड़ी भाई WPL यानी वुमेंस प्रीमियर लीग में भी खेल चुके हैं। भाई आप अंदाजा लगा सकते हैं कि WPL में अगर खेला होगा तो फिर उसके पास कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस और कितना क्वालिटी खिलाड़ी हुए होंगे, ठीक है। देखो भाई क्वालिटी खिलाड़ी के बगैर तो भाई WPL में मौका मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो देखो उनके बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगा और वो क्या बेसिकली आपके लिए सेफ पिक रहेंगे। अगर वो खेलेगी तो मैं उनको ही क्या बीसी बनाऊंगा और आपको भी उसी खिलाड़ी को बनानी होगी। स्पेशली जब पहले बॉलिंग तो डेफिनेटली आप उसी को कैप्टन बना के जाइएगा। आपको वीडियो में जो टीम देखने मिलेंगे वो डेमो टीम रहेंगे, बाकी फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे आफ्टर टॉस आफ्टर लाइन अप। तो भाई अगर आपको फाइनल टीम चाहिए तो टेलीग्राम पर ज्वाइन होना ना भूलें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक मिल जाएंगे, उसके लिंक से ज्वाइन हो जाइएगा। और अपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया मेरे भाई तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि आपको इसी चैनल पर बहुत सारे मैचेस की कवरेज मिलेंगे, टाइम पे आप लोग काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाओगे। तो भाई देखो इस मैच के लिए कौन सा 11 के लिए आपकी इस मॉल की टीमें होनी चाहिए, कौन से दो खिलाड़ी को कैप बीसी बनानी चाहिए, कौन ऐसा खिलाड़ी जो आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक करेंगे और कौन ऐसा खिलाड़ी है भाई जो GL जिता सकते हैं, ठीक है। एंड GL के लिए भी कुछ ऐसे खिलाड़ी मैं बताऊंगा जो आपको भाई बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं और आप लोग आसानी से भाई GL भी विन कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखिएगा, वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखिएगा तभी आप लोग स्मॉल लीग के साथ साथ मिनी ग्रैंड लीग और ग्रैंड लीग में भी भाई अच्छा खासा पैसा कमाओगे और मेरी तरफ हमेशा भाई मिनी ग्रैंड लीग विन करते रहोगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इस मैच के बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। रिसेंट परफॉर्मेंस देखोगे तो यूएसए ने लास्ट के दोनों में से दोनों मैच हार के आई है, ODI की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जिम्बाब्वे ओमेन की बात की जाती है, यहाँ पर लास्ट के 5 में से 3 मैच विन किए। लेकिन मैंने आपको जो भाई कंडीशन बता दिया हो ना कि यूएसए के पास अगर दो खिलाड़ी खेल जाएगी तो फिर आप यूएसए की फेवरेट में टीम बनाएगा। बेन स्टेट्स की बात की जाए तो भाई हरारा स्पोर्ट्स क्लब हरारा में खेले जाएंगे, जहाँ पे भाई आपको अच्छा खासा बैटिंग बेनिफिट्स देखने मिलेंगे। बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों को मदद मिलेंगे, यानी ये न्यूट्रल फीच है, ठीक है। बैटर्स को भी मदद मिलेंगे, बॉलर्स को भी मदद मिलेंगे। आपको बैटिंग ऑर्डर काफ़ी देखो वीक है तो विकेट ज़्यादा गिरेगी, 50 ओवर का मैच भी है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जो भी टीम पहले बॉलिंग करेगी ना उसी के तरफ से हर एक बॉलर को पिक करके जाइएगा, क्योंकि भाई जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी उसके लिए भाई ऑल आउट होना काफ़ी आसान, ठीक है। और वॉल आउट होंगे भी और मेरे हिसाब से दोनों टीम का भाई दोनों टीम की इनिंग्स मिला के लगभग 17-18 या फिर 20 विकेट भी देखने को मिल सकते, तो मैक्सिमम बॉलर्स आपके टीम में होने चाहिए। या पर देखो एवरेज इनिंग्स की अगर बात की जाए तो 179 का है और लास्ट के 76 विकेट में से देखोगे तो भाई पेसर ने नहीं है 38, स्पिनर ने भी 38, यानी पेसर्स और स्पिनर दोनों यहाँ पर इंपॉर्टेंट पिक है, ठीक है। दो खिलाड़ी के बारे में बोल रहा था भाई यूएसए की तरफ से, उनमें से एक है एला गैरिटेज, ठीक है। सिलेक्शन भी काफ़ी हाई है। देखो भाई वहाँ पे तो भाई ज़्यादा बॉलिंग नहीं करती थी, यानी इंग्लैंड में जो भी भाई डोमेस्टिक में वो खेलती थी ना वहाँ पे ज़्यादा नहीं बॉलिंग करती थी, लेकिन यहाँ पे आपको बॉलिंग करके दे सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे बॉलिंग करेगी तो कैप बीसी के लिए बहुत अच्छा पिक रहेंगे। यहाँ पर बॉलिंग ऑप्शन पर आपको एक और नाम देखने मिलेंगे, तारा नोरिस। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा कि कितना कमाल और कितना टैलेंटेड खिलाड़ी है ये, भाई WPL में भी खेल चुकी है, बैटिंग बॉलिंग दोनों अच्छा कर लेती है और यहाँ पर आपको बैटिंग से मोस्ट बॉली टॉप ऑर्डर में भी बैटिंग करते नजर आ जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों खिलाड़ी अगर खेलेगी भाई तो दोनों को कैप बीसी बना के जाइएगा और यूएसए फिर भाई वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी अगर ये दोनों खेलेगी तो, ठीक है। यहाँ पर विकेट की सेक्शन में देखो ए मुपा की एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है भाई, वहीं पर अगर एस श्रीसा की बात कीजिए ये भी बहुत अच्छा खिलाड़ी है, आप इन दोनों में से किसी भी खिलाड़ी को टीम में पिक कर सकते हैं। या बताओ कि ए मुफाकी का सिलेक्शन काफ़ी हाई है, ठीक है, लेकिन जब पहले बैटिंग करेगी तो आप इनको ड्रॉप भी कर सकते हैं। या फिर एस श्रीसा भी एक अच्छे खिलाड़ी रहेंगे, अगर ये थोड़ा ज़्यादा पॉइंट दे देंगे तो आप आसानी से मैच को विन करके जाओगे। फिलहाल मैंने यहाँ पे एस श्रीसा को पिक कर रहा हूँ, लेकिन बैटिंग ऑर्डर भाई अगर इसका पीछे रहेंगे तो मैं इनको ड्रॉप कर दूंगा। अगर बैटिंग ऑर्डर top 3 या फिर top 4 में रहेगी तो मैं इनको डेफिनेटली लेके जाऊँगा। और यहाँ पर देखो ए मुफा के मैक्सिमम चांस कि आपको टॉप ऑर्डर बैटिंग करते नजर आ जाएगी। बैटिंग सेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर देखो इला गैरिटेज मैं इनको डेफिनेटली पिक करूँगा और इस खिलाड़ी का जो रिकॉर्ड है ना वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि 2024 में इस खिलाड़ी ने क्या परफॉर्मेंस किया। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ ताकि आपको पता चले कि एक खिलाड़ी क्यों इंपॉर्टेंट है। और भी देख सकते हैं इला सी गैरिटेज का रिसेंट परफॉर्मेंस, यानी 2024 का हर एक मैच में उनका परफॉर्मेंस देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 2-3 मैच में काफ़ी कमाल का परफॉर्मेंस किया था। एक तो देखो यहाँ पर 71 बनाए थे, फिर देखो से 43 पे नॉट आउट थी, 33 पे नॉट आउट थी, यानी यहाँ पे भी अच्छे खासे बैटिंग किए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ पे तो और भी भाई काफ़ी वीक बॉलर मिलेंगे उनको, तो वहाँ पे और भी अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे। और यहाँ पे जो बैटिंग पोजीशन थी ना भाई इनका 4 डाउन पर बैटिंग करती थी, लेकिन यूएसए की तरफ से आपको मैक्सिमम चांस टॉप 3 में बैटिंग करते नजर आ जाएगी, तो आप इनको डेफिनेटली कैप बीसी बना दीजिएगा। 50 ओवर का
मैच है और इस सब के सब 50 ओवर का रिकॉर्ड में दिखा रहा हूँ आपको, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक है, कैप भी से आप बिल्कुल बना के जा सकते हैं, ठीक है, कैप्टन वाइस कैप्टन के पिक बनने वाली इस मैच में। यहाँ पर देखो इस मैच भी एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे भाई, यहाँ पर जिम्बाब्वे की तरफ से अगर खेलेंगे तो डेफिनेटली लेके जाइएगा, क्योंकि अगर ये खेलेंगे तो आपको कुछ ओवर की बॉलिंग भी देंगे। यहाँ पर देखो सी मुगरी का सिलेक्शन काफ़ी हाई, आप चाहे तो बैक कर सकते, फिलहाल मेरे टीम को जगह नहीं मिलेगी। मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ इस मैच के बारे में, तो अगर ये खेलेगी तो डेफिनेटली पिक करूँगा, चलो फिलहाल पिक कर ही लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो कि एक दो और भी खिलाड़ी है, जैसे कि जी होकले है, दी धिंगरा है, यहाँ पर देखो दी धिंगरा अगर खेलेंगे ना तो बॉलिंग भी कर सकती है, तो अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल पिक कर सकते हैं। ये नादिरा को जीएल में पिक कीजिएगा, इस मॉली के लिए काफ़ी रिस्की पिक है। ऑलराउंडर सेक्शन की बात की जाए तो एच यूदस में एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है, आपको अच्छे खासा बॉलिंग करते नजर आएगी, स्पेशली अगर पहले बॉलिंग तो डेफिनेटली लेके जाइएगा। फिर देखो जे नैकमो और एबे बी बीजा, ये दोनों भाई मस्ट पिक रहेंगे जिम्बाब्वे वोमेन की तरफ से, और जिम्बाब्वे जब पहले बॉलिंग करेगी तो इन दोनों खिलाड़ी को कैप भी से आपस में ट्राई कीजिएगा, स्पेशली बी बीजा आपके लिए काफ़ी कमाल का पिक रहेंगे, ठीक है। 17-18 साल की ये लड़की है भाई, बहुत ही कमाल का खिलाड़ी है, आपको कंप्लीट बॉलिंग के साथ ऑन डाउन पे या पे ओपनिंग पे बैटिंग करते नजर आ जाएगी, ठीक है। आई भाग्य से एक इंपॉर्टेंट बॉलर रहेंगे, मैं इनको पिक करूंगा। यहाँ पर देखो रितु सिंह भी काफी कबार बॉलिंग करती है, आप इनको भी चाहे तो बैक कर सकते हैं। एल सेट्टी भी एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, चाहे तो बैक कर सकते, फिलहाल मेरी टीम इनको जगह नहीं मिलेगी। यहाँ पर देखो चातुनो ये भी एक अच्छे खिलाड़ी है, अगर खेलेगी तो जीएल में ट्राई करो, इस मॉली के लिए रिस्की पिक होगी, ठीक है। बॉलिंग सेक्शन की बात की जाए तो तारा नूरिस के बारे में बताई दो, अगर ये खेलेंगे तो आप इनको भाई नो डाउट अपने टीम में पिक करके कैप्टन वाइस कैप्टन बना दीजिएगा। एल फ्री अगर आपको चाहिए तो पिक कर सकते हैं, लेकिन रिसेंटली भाई जो टूर्नामेंट खेले गए थे जिम्बाब्वे वोमेन वर्सेस और भी दो तीन टीम खेले गए, तो वहाँ पे उस सीरीज में इन्होंने ज़्यादा बॉलिंग किए नहीं थे और फिलहाल मेरे टीम को जगह नहीं मिलेंगे। ए निशामंद एक अच्छे फास्ट बॉलर है, अगर खेलेगी तो डेफिनेटली पिक कीजिएगा। एल मावेर है बहुत अच्छा बॉलर है, आप इनको भी चाहो तो पैक कर सकते हैं। यहाँ पर देखो जी गोडाली का सिलेक्शन बिल्कुल अच्छी नहीं है, लेकिन ये काफ़ी कमाल का खिलाड़ी है भाई, अगर खेलेगी तो आपकी टीम मस्ट पिक होना चाहिए, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों सब काचे का सपोर्ट दिला के जाएंगे, तो फिलहाल मैं इनको डेफिनेटली लेके जाऊंगा। बाकी यहाँ पर और भी अच्छे खिलाड़ी आपको मिलेंगे, दो खिलाड़ी जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने बता दिया एन सिबंडा, एल मावेरा और यहाँ पे इस तनमई, ठीक है, इन तीनों में से किसी भी दो खिलाड़ी को पिक कर सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर दोस्तों एल मावेरा और मैं यहाँ पे इस तनमई को पिक कर रहा हूँ, आप अगर इस खिलाड़ी को पिक नहीं करना चाहते तो सिबंडा बहुत अच्छा पिक रहेंगे, मेरी टीम इनको जगह मिल सकते फाइनल टीम में, ठीक है। चलो फिलहाल मेरे को पिक कर ही लेता हूँ, इस मायर को ड्रॉप करके यहाँ पे मैं सिबंडा को पिक कर लेता हूँ, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात की जाए तो देखो मैक्सिमम लोग यहाँ पे भाई जे नैकमो को कैप भी बना रही है और यहाँ पे जोदर्शन को बना रही है, लेकिन मेरे हिसाब से भाई कैप्टन वाइस कैप्टन का बेस्ट पिक रहेंगे तारा नरिस और यहाँ पे क्लैमरेज, ठीक है, मैं इन्हीं दोनों को कैप भी बना के जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो बिल आउट बीजा को आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, स्पेशली जिम्बाब्वे जब पहले बॉलिंग करेगी तो ये आपके लिए काफ़ी कमाल का पिक होगी, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों अच्छे कर लेगी, ठीक है। तारा नॉरिस और यहाँ पे इला कैरी जाकर दोनों खेलेगी, तो मैं इन्हीं दोनों को कैप भी बना के जाऊंगा। मॉली खेल के लाखों में विनिंग करना है तो बूम एलेवन एप्लीकेशन को जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस एप्लीकेशन में ना तो TDS लगेंगे और ना ही यहाँ पे कोई GST लगेंगे, ठीक है, यानी 100% GST और TDS फ्री एप्लीकेशन है, 2 मिनट के अंदर आपको यहाँ पे इंस्टॉल विड्रॉल मिल जाएंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप करोड़ों में विनिंग करो या फिर लाखों में विनिंग करो, एक भी रुपया आपका GST और TDS के नाम पर नहीं कटेगा, जिस वजह से ना वो बाकी एप्लीकेशन कंपेरिजन में काफ़ी लेस है, तो आज ही डाउनलोड करो, आज से खेल के रोजाना लाखों विनिंग करना स्टार्ट कर देना। इस एप्लीकेशन के लिंक आपको किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उस लिंक से डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हैं, विकेट के सेक्शन में एस रिसार्ज को जगह दिया हूँ, आप इनकी प्लेस में जिम्बाब्वे की तरफ से ए मापाकिया को भी पिक कर सकते हैं। सेक्शन में इला कैरिटेज, ऑलराउंडर सेक्शन में जे नैकमो, आई वगैरह और पे ए चौदह सौ को पिक किया हूँ, उसी के साथ साथ बी बीजा। बॉलिंग सेक्शन की बात की जाए जी कोडाली, तारा नोरिस, एन सिबंडा और ए पे एस तनैया के साथ मैंने यहाँ पे एल मावेरा को जगह दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो एक खिलाड़ी मेरी टीम में फाइनल कॉल नहीं है, यहाँ पर इस खिलाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, अगर इसकी प्लेस पर किसी और के साथ जाना चाहता बिल्कुल पिक कर सकते हैं, और आफ्टर टॉस में इस खिलाड़ी की जगह किसी और के साथ जा सकता हूँ। फिलहाल आप इस टीम का स्क्रीन शॉट लेकर रख सकते हैं, बाकी जो भी चेंजेस होंगे, जो भी बदलाव होगा वो तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल अपडेट कर दिए जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले और साथ में यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चलिए मिलते हैं, तब तक बाय।